नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। खबर है यूपी के सोनभद्र से। खाद ना मिलने से किसानों में मचा हाहाकार। खाद ना मिलने से किसानों के 6 महीने की मेहनत हो रही बेकार। परेशान किसान आज उत्तर प्रदेश सोनभद्र के झारो खुर्द लेम्पस में खाद ना मिलने से गुस्साए किसानों ने किया चक्का जाम। स्टार 70 न्यूज के रिपोर्टर सुदर्शन कुमार मौर्य आज चौथी बार लेम्पस में किसानों की समस्या जानने के लिए पहुंचे। सोनभद्र के झारो खुर्द के लेम्पस में वहां के किसानों से बात करने पर बताया गया कि हम लोगों को काफी समय से खाद नहीं मिल पा रहा है। हम लोग लाइन में हर बार खड़े रहते हैं और खाद खत्म हो जाती है। 15 बीघा जमीन पर एक बोरी खाद किसी को मिलता है, किसी को वो भी नहीं मिल पाता। किसानों का हंगामा देखकर मौके पर आए दुद्धी के पुलिस आकर किसानों को समझाया और जो खाद बची थी लेकिन बांटी नहीं जा रही थी उसको बंटवाया गया। कितनों को मिल पाएगा कुछ पता नहीं। स्टार 70 न्यूज की कवरेज सुदर्शन मौर्य की रिपोर्ट। इनका कहना है कि हमारे पास 15 बीघा जमीन है लेकिन हमें एक बोरी खाद मिला है, हमारा फसल का क्या हाल होगा। और एक बोरी से कोई भी खाद 15 बीघा में किसी काम का नहीं है। ये आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या है खाद नहीं मिल रहा है। कल से खाद गिरा है, कल पूरी दिन ही रह गए, आज दिन भर आज बोले कि आज बटेगा, आज भी नहीं मिला खाद। सुबह 6 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। आप मतलब अभी जो पहले बार खाद बट रहा था तो क्या मिला था आपको? नहीं मिला था मेरे को, पहले बार भी नहीं मिला, अगली बार भी नहीं मिला। बोला सचिव साहब आके यहाँ से चले गए, कहे नहीं बांटूंगा खाद। क्या बोले? बोले नहीं बांटूंगा, भीड़ लगा है। अभी तक क्या सचिव से बात हुआ? नहीं बात नहीं हुआ। आके करे कि नहीं देंगे खाद, कल बटेगा तो रोज हम यहाँ रहेंगे। अगले बार आपसे खाद मिला था आपको कि नहीं? नहीं मिला है अभी तक आपको। एक नहीं लगे है खाद। आपका फसल का क्या स्थिति है? खाद नहीं, धान हो गया, मर रहा है खाद बगैर। वो बांट रहे हैं, जो ले जा रहा है 10 बार ले जा रहा है, हर बार ले जा रहा है। जो नहीं पा रहा है वो लाइन लगा के ईमानदारी से बार बार वो नहीं पा रहा है, उसका खाद धान मरे जा रहा है। लेकिन जो लेके जा रहा है वो हर बार लेके जा रहा है लाद मुक्का करके। और प्रॉब्लम मतलब जब से खाद बट रहा है आपको एक भी बार एक बार भी नहीं मिला है। आपका फसल का क्या स्थिति है? बहुत बुरा है। वो जैसा रोपा लगा था, धान लगा था, वैसा का वैसा है। दुर्गावती देवी कहाँ के रहने वाली? मझौली के। क्या खाद के विषय में आपको क्या समस्या हो? खाद हमें क्या मिला? अच्छा अभी 4 बार 5 बार खाद बटा है, एक भी बार आपको खाद मिला है? नहीं अभी एक भी बार खाद नहीं मिला है। नहीं। सुबह से कब से आप खड़ी हैं? हम 4 बजे से भोरे से 4 बजे से खड़े हैं लेकिन अभी आप लोग को खाद नहीं मिला? नहीं। आपको खाद मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। हमारा नाम है रंकी। कब से आप खड़ी हैं? 4 बजे से। 4 बजे से आप लोग को खाद मिला है? नहीं नहीं मिला। नहीं मिला है। हम लोग 4 बजे से भोर से आए के हैं, छोटा छोटा बच्चा छोड़ के है, एक बार भी नहीं मिला है हम लोग को। क्या नहीं मिला? 4 बजे से आप लोग 3 बजे से है लेकिन आप लोग को खाद नहीं मिला? नहीं मिला है। आप लोग को खाद मिला है? नहीं मिला है हम लोग। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4-5 बार लगभग खाद बटा हुआ है लेकिन किसी को कई बार खाद मिल चुका है, किसी को एक बोरी भी खाद नहीं मिल रहा है। और खाद न मिलने से किसानों का फसल एकदम बर्बाद होने के कगार पे है। यहाँ के किसानों का आरोप है कि हम लोग का फसल अब लास्ट पोजीशन पे बचा हुआ है लेकिन यहाँ के सचिव या खाद लाते हैं वो खाद कहाँ जाता है इसका भी कोई पता नहीं चलता। खाद आता है बढ़ जाता है लेकिन लोगों को खाद नहीं मिलता है।